हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का सेट है, इसमें जो कि दोस्तों हर एक एप्लीकेशन का अलग अलग टाइप का जो एप्लीकेशन है दोस्तों सबका एरर आ रहा है। दोस्तों इस प्रकार का अगर आपके पास भी प्रॉब्लम आते हैं जिसमें कि एरर आ रहा हो तो उसको आप कैसे दूर करेंगे, देख सकते हैं। अब जो कि दोस्तों गूगल का आ चुका है, इससे पहले जो कि दोस्तों आपका सिक्योरिटी का आया था, फिर आगे देखिएगा तो कुछ और आ रहा है। तो इस प्रकार का जो प्रॉब्लम आते हैं दोस्तों इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये जो प्रॉब्लम है इसको आप फ्लैश करके भी दूर कर सकते हैं। और दूसरा जो कि दोस्तों आपके पास रिसेट करके, तो रिसेट तो हम कर पाएंगे दोस्तों, लेकिन इसमें एक डर बना हुआ रहता है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो कि दोस्तों FRP लगने का डर है। एंड्रॉयड का जितना भी सेट है दोस्तों उसमें अपग्रेडेड करके क्या किया है कि सारे फ़ोनों को अब जब भी रिसेट कीजिएगा या हार्ड रिसेट कीजिएगा तो उसमें जो कि दोस्तों FRP लग जाते हैं। दोस्तों हम लोग कैसे इसको रिसेट करें कि आपका जो प्रॉब्लम है ये भी सॉल्व हो जाए और जो कि है आपका FRP ना लगे, तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाना और सेटिंग में जाके अकाउंट सेटिंग को ओपन कर लेना है। उसके बाद जो कि दोस्तों गूगल अकाउंट जो आपका अकाउंट है उसको आपको यहाँ से रिमूव कर लेना। तो चलिए मैं जो कि दोस्तों इसको रिमूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसको रिमूव कर लेना। आपके सेट में देखना दोस्तों 2, 4, 3 जितना भी ईमेल लॉगिन रहे दोस्तों उसको आपको रिमूव कर लेना है। मेरे इसमें जो कि दोस्तों एक ही था, इसीलिए उसको हम एक ही को रिमूव कर लिए। उसके बाद आपको रिसेट कर लेना है। तो इसमें जो कि दोस्तों रिसेट करने के बाद किसी प्रकार का आपका जो FRP है दोस्तों वे नहीं लगने वाले हैं। तो मैं जो कि दोस्तों इसको रिसेट करने के लिए सेटिंग पर आ चुका हूँ। उसके बाद जो कि दोस्तों यहाँ रिसेट फ़ोन पे क्लिक करता हूँ। इसमें जो कि दोस्तों चार्जिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, चार्ज नहीं है, तो चलिए मैं थोड़ा सा चार्ज, तो अभी जो कि दोस्तों मैं लगभग 10 मिनट बाद आ रहा हूँ। इसमें जो कि दोस्तों लगभग 15% से अधिक चार्ज हो चुका है। तो चलिए इसमें जो कि दोस्तों फिर से हम रिसेट फ़ोन पे क्लिक करते हैं और फिर इसके बाद जो कि है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इरेज एवरीथिंग, यानी जो कुछ भी है आपका इरेज हो जाएगा दोस्तों। इसमें ये जो सेट है दोस्तों बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। मैं जो कि दोस्तों 2x पर लगा के इसका जो स्पीड है दोस्तों वह थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ। तो आप जो कि दोस्तों देख सकते हैं उसके बाद कुछ इस प्रकार से आपका जो सेट है दोस्तों ये पावर ऑफ हो जाएंगे। उसके बाद फिर से इरेज हो जाएगा, इरेज का एक ये आएगा दोस्तों लोगो, आप देख सकते हैं इरेज हो रहा है। उसके बाद जो कि दोस्तों आपका सेट जो कि है प्रॉपरली एकदम ऑन हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है वे भी सॉल्व हो जाएंगे और इसमें किसी प्रकार का कोई FRP नहीं आने वाला है। इसी प्रकार से दोस्तों ओप्पो वीवो रियलमी MI ऑन प्लस कोई सा भी सेट हो दोस्तों, अगर उसका आपको स्क्रीन लॉक पता हो या कस्टमर आपको बता दें कि इसका स्क्रीन लॉक ऐसा है, तो आप जो कि दोस्तों स्क्रीन लॉक खोल करके आपको सबसे पहले अकाउंट को रिमूव कर देना है। उसके बाद जो कि दोस्तों आपको फ़ोन का रिसेट करने के बाद आप नेक्स्ट करते हुए आपको क्या करना है कि इसको ओपन कर आपका जो ये है सेटअप कर लेना। उसके बाद आपका जो प्रॉब्लम है दोस्तों वे 101% सॉल्व भी हो जाएंगे और आपका जो FRP है दोस्तों वे भी नहीं लगेंगे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मैं जो कि हूँ यहाँ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। सॉरी दोस्तों मैं अभी खाना खा के आया, इसीलिए थोड़ा सा अलग टाइप का साउंड आ रहा है। तो आप देख सकते हैं मेरा जो कि दोस्तों सेट पूरा ऑन हो चुका है और इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है। और आप देख सकते हैं दोस्तों सेट भी जो कि दोस्तों लंचर के लिए अलाउ करने बोल रहा है। तो इसमें जो कि दोस्तों अब स्लो का जो प्रॉब्लम था दोस्तों वह भी हल हो चुका है। इसमें किसी प्रकार का और स्लोली काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं फास्टली काम कर रहा है जैसा कंपनी दिया था। तो आप देख सकते सेटिंग पे क्लिक करते सेटिंग ओपन हो गया, किसी में भी क्लिक करेंगे दोस्तों तो फटाक सब खुल जा रहा है, लेकिन पहले जो कि दोस्तों नहीं खुल रहा था, हैंग हो रहा था। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसी प्रकार के वीडियो और भी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।